फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन से। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर देंगे कप से। एग्जांपल हम देंगे किसके, कप से। तो कप हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कप रखे हुए हैं, तो इसका हम सिंगुलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कप। इसका प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है, प्लूरल में कप्स बन जाएगा। और साथ ही साथ हम आर्टिकल जैसे कि ए हो गया, एन हो गया, इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये होता है काउंटेबल नाउन। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम कहें विंडो, टीचर, ट्री, एटसेट्रा। ऐसे हम कई एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ दो तीन बातें हैं इम्पोर्टेंट। इसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल से। वाटर, एडवाइस। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है जो कि काउंटेबल नाउन में नहीं। जैसे कि हम इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। जिस फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में रहेगा। जैसे वाटर का हम वाटर्स नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से। और साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसमें ए या फिर एन का यूज़ नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि न्यूज़। तो न्यूज़ में कभी हम न्यू ऐसा कुछ नहीं बोलते, डायरेक्टली बोलते हैं न्यूज़, चाहे वो एक ही हो। इसका हम सिंगुलर प्लूरल कन्वर्जन नहीं करते। इसमें हम कभी ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और भी है, जैसे कि हम देखें यहाँ पर एक इक्विपमेंट करके भी एग्जाम्पल इसमें आता है, लगेज, वर्क, ठीक है। तो ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ जेंडर कन्वर्जन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर जो है ये वो जेंडर है जिसमें आप ये बता ही नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर जो भी नाउन है वो मेल है फीमेल है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले आएगा न्यूरो जेंडर में अपन बॉक्स का एक एग्जांपल, जैसे बॉक्स है, बुक है। इनका आप जेंडर डिटरमाइन नहीं कर सकते। हिंदी में तो चलता है ती है ता है करके लगा देते हैं, पर इंग्लिश में अपन इसका जेंडर डिटरमाइन ही नहीं करते हैं कि जेंडर मैन मतलब जेंडर कौन सा है। इसका जेंडर इसका रहता ही नहीं है, समझ लें आप। फिर उसके बाद अपन देखते हैं इसमें और एग्जांपल, जैसे और कुछ एग्जांपल भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि बेंच। फिर इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रल जेंडर के बाद कॉमन जेंडर, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉमन जेंडर में आप एक्चुअली में इसमें दोनों ही मर्ज हैं, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप है, इसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जैसे कि हम बोलें पेरेंट, तो पेरेंट तो मदर भी हो सकता है, सॉरी मदर भी हो सकती हैं और फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करें जैसे कि बर्ड, बर्ड भी मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। नेबर्स, अगर सिंपली नेबर बोलें तो भी चल जाएगा, तो नेबर कोई भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ जेंडर क्लियर होते हैं हमें यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे इरेगुलर प्लूरल्स की। रेगुलर प्लूरल्स में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रेगुलर प्लूरल्स में मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है इसका, थोड़ा अलग कन्वर्जन है। स्टार्टिंग करते हैं मैन से। यहाँ पे हम सिंगुलर लिखेंगे और यहाँ पे हम प्लूरल लिखेंगे। तो मैन का क्या होगा, मैन
स्पेलिंग ही पर गौर देना है मेनली, और कुछ प्रोनाउंसिएशन भी है। फुट का क्या होगा, फीट। माउस का क्या होगा, माइस। अब कुछ लोग कहेंगे कि माइस तो मेल माउस, ऐसा नहीं होता, माउस और प्लूरल माइस होता है। वुमेन का देखिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर एम ई एन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें टूथ को, टूथ को होता है टीथ। उसके बाद गूस, गूस का होता है क्या, गीस। फिर उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। फिर उसके बाद ऑक्स, ऑक्स का होता है ऑक्सन, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास नाउन है जिनका कोई सिंगुलर नहीं है, नो सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर। एक सबसे पहले आता है सीजर, सीजर्स बोलते हैं हमेशा, हम कभी सीजर बोल रहे हैं जो वो गलत है, सीजर्स ही बोलते हैं उसको, इसका कोई सिंगुलर होता ही नहीं। ओट्स, ओट्स का भी कोई सिंगुलर नहीं होता। मम्स, इस प्रकार की प्रकार इन्फेक्शन है आप कह सकते हैं, इसका भी कोई सिंगुलर नहीं है। उसके बाद आता है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का भी कोई सिंगुलर नहीं है। फिर उसके बाद जैसे कैटल है, कैटल का ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, कैटल तो बस आप ही में कंप्लीट है। एक्चुअली कैटल है किस फॉर्मेट में यदि हम कहें तो ये प्लूरल्स हैं सारे, ये क्या हैं सारे प्लूरल्स हैं, इनका कोई भी सिंगुलर नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और बताया यहाँ पर टोंग्स, टोंग्स टोंग्स यानी क्या होता है एक्चुअली में, टोंग्स यानी होता है चिमटा। तो ये जो चिमटा है इसका कोई भी सिंगुलर नहीं है, ये खुद इस फॉर्मेट में प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं यदि उनके आप अलग अलग टाइप्स की बात करें तो फिर आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कॉफ़ी के बारे में, तो मैंने डिस्कस किया था कि जो कॉफ़ी है इसका कोई भी, कॉफ़ी का क्या बताया था मैंने, कोई भी प्लूरल नहीं होता, कॉफ़ी में हमने डिस्कस किया था कि प्लूरल इसका कोई भी नहीं होता है। जैसे हमने सबसे शुरू में डिस्कस किया था, अनकाउंटेबल नाउन में डिस्कस किया था ये कि कॉफ़ी का, हाँ कॉफ़ी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको आप ऑब्वियसली काउंट नहीं कर सकते, तो इसका ना ही सिंगुलर आप बना सकते हैं ना ही प्लूरल बना सकते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि अलग अलग टाइप की कॉफ़ी है, जैसे कहने का एक कैपुचिनो है, एक नॉर्मल कॉफ़ी है, तो हम क्या कहेंगे, तो यदि हमको बताना हो तो हम क्या कहेंगे, कॉफ़ीज, ठीक है ना। हमने क्या कहेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारा एक ग्रुप था, उन्होंने अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी पी, तो हम क्या कहेंगे, वी टू कॉफ़ीज। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। और कॉफ़ीज़ हो गया, जैसे कॉटन के बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है कि कॉटन भी कई प्रकार का होता है, थोड़ा सॉफ्ट कॉटन रहता है, कुछ मोर सॉफ्ट कह सकते हैं ना, इस प्रकार कई प्रकार के यदि कॉटन है तो हम कहेंगे कि कॉटन्स, है ना। जैसे हमने ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल, एक सेंटेंस बनाया, जैसे कि ये भी एक सेंटेंस ही था, ठीक है, इसमें भी एक सेंटेंस बनाया था, हम ऐसे कह सकते हैं कि देर वर डिफरेंट वराइटीज ऑफ कॉटन्स, ऐसे कह सकते हैं देर वर डिफरेंट कॉटन्स, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम क्या कहें, और जैसे शुगर भी हो सकता है, शुगर भी कई प्रकार की होती है, इस तरीके से शुगर का भी आप प्लूरल बना सकते हैं। तो मतलब ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है उस बात का
जो हमने सबसे शुरू में डिस्कस की थी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, वो तो बस आपको यूज़ करना होता है। यदि वो सिंगुलर है तो भी अंडरस्टूड है, यदि वो आप देख पा रहे हो तो आप बता सकते हो कि यार ये सिंगुलर है या प्लूरल। यदि नहीं देख पा रहे कि वो रिटर्न स्टेटमेंट में है तो अपन कुछ नहीं कह सकते, है ना। पर मैंने क्या कहा, यदि अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कॉफ़ी के कई तरीके के टाइप्स होते हैं, कई तरीके मतलब कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं कहते हैं, तो वो जो टाइप्स हैं उसमें हम कैसे बोलना पड़ेगा कि देर वर डिफरेंट कॉफ़ीज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसमें जितने भी पॉइंट हैं इस वीडियो में, तो वो तो सारे मोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट वेरियस एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। थैंक यू।